चलो इस वीडियो में हम आयंस के बारे में पढ़ेंगे, है ना। सब कॉमन आयंस को बंद करो रे। इस चैप्टर में हम आयंस चैप्टर क्या बोलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट में हम आयंस की बात करेंगे। आयंस दो प्रकार के होते हैं, केटायन और एनायन। केटायन किसको बोलते हैं, जिस पर क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। एनायन किसको बोलेंगे, जिस पर नेगेटिव चार्ज रहेगा। हिंदी में क्या बोलते हैं, धन आयन और ऋण आयन। ठीक है, सोडियम पे प्लस चार्ज है इसको बोलते हैं सोडियम आयन, पोटेशियम पे प्लस चार्ज इसको बोलते हैं पोटेशियम आयन। ये क्या है, सिल्वर। ठीक है, सिल्वर ऑलवेज शो प्लस वन चार्ज को ऑक्सीडेशन नंबर भी बोल सकते हो। ठीक है, ये चार्ज बता रहा है, मतलब जो प्लस लिखा है मतलब प्लस वन चार्ज हो जाएगा, इस पे प्लस वन चार्ज हो जाएगा। ठीक है, NH4+ ये अमोनियम, NH4+ अमोनियम, इस पे कौन सा चार्ज रहेगा, प्लस वन चार्ज होगा। H+ है ना, इसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन आयन। ठीक है, मैग्नीशियम पे +2 चार्ज रहता है, कैल्शियम पे +2 चार्ज रहता है। ये दो प्रकार के हैं, Fe2+ और Fe3+। इसमें देखने का तरीका होता है, एक में अस लगेगा, एक में इक लगेगा। जैसे कि एक है फेरस और फेरिक। अस कब लगता है, जब ऑक्सीजन नंबर ज्यादा रहता है, जब चार्ज ज्यादा है। तो इसमें चार्ज देखो +2 है, +3, चार्ज कौन सा ज्यादा है, इस पर +3 है, तो इस पर हम क्या लगा दें, इक लगा देंगे। तो हो जाएगा फेरिक और ये हो जाएगा फेरस। ऐसा एक और एग्जाम्पल, एक होता है Cu+ और एक होता है Cu2+, एक होता है क्यूप्रस और एक होता है क्यूप्रिक। तो अस कब लगा रहे हैं हम, ऑक्सीजन नंबर कम रहता है, एक कब लगा रहे हैं, ऑक्सीजन नंबर ज्यादा रहता है। तो बताओ क्यूप्रिक और क्यूप्रस कौन सा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा क्यूप्रस और ये क्या हो जाएगा क्यूप्रिक। ठीक है, उसके बाद है जिंक अलवेज शो, ये तो क्वेश्चन है 12th का। जिंक अलवेज शो प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट, वाई जिंक हमेशा +2 ऑक्सीजन अवस्था दर्शाता है क्यों। एल्यूमिनियम पर +3 चार्ज रहता है, चार्ज के द्वारा ही आप कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हाइड्रोजन पर माइनस आ गया, हाइड्रोजन पे प्लस भी आता है और माइनस भी आता है। तो देखो ये वर्ड हमको ध्यान रखना है, तीन वर्ड, आईडी, आईटीई और एटीई। कब लगता है, जब सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज होता है तो हम क्या लगाते हैं, आईडी। इसका एग्जांपल मैं देता हूं, सिंगल एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन अगर दोनों में से ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे, एट, और ऑक्सीजन अगर कम हो तो क्या यूज करेंगे, आईटी। जैसे इसका एग्जांपल लेते हैं, पहले देखो सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, आईडी। जैसे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन नहीं होगा, अभी हो जाएगा हाइड्राइड, क्लोराइड, आईडी लग रहा है, सिंगल एलिमेंट है, माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ये क्या हो जाता है, हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अभी तीनों में देखना है हमको कि एक इसमें से नाइट्राइड है, एक नाइट्रेट है और एक नाइट्राइड है, तो कैसे देखेंगे, सिंगल एलिमेंट, तो ये सिंगल एलिमेंट के साथ चार्ज होता है तो क्या लगा देंगे, आईडी, इसका नाम हो जाएगा नाइट्राइड। सिंगल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन हो और ऑक्सीजन अगर ज्यादा हो तो हम क्या लगा देंगे, एट वर्ड लगा देंगे, तो इसको बोलेंगे हम नाइट्रेट और ये हो जाएगा नाइट्राइट। समझ में आ गया, सिंगल एलिमेंट के ऊपर चार्ज है, चार्ज कैसे आता है वो तो हमने पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं, किस पे कितना चार्ज आएगा इसका नाम कर रहे हैं हम, है ना। ये हो जाएगा नाइट्राइड, नाइट ट्रेट और नाइट्राइट। ठीक है, ये तो हमने देख लिया है क्लोराइड। अब एक इसमें से क्लोराइट और एक है क्लोरेट, कौन सा आ जाएगा, क्लोराइट और एक है क्लोरेट। सिंगल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, कहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है, तो क्या लगा देंगे, क्लोरेट, और इसको क्या बता देंगे, क्लोराइड। ये साइनाइड है ना, इसका एक और नाम आपको ध्यान रखना है, इसको क्या बोलते हैं, इसको नाइट्राइल भी बोलते हैं। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर समझाना था इसलिए इसको हमने बनाया, सिंगल बॉन्ड। सही है, देखो स्ट्रक्चर, आप लोग नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाएगा, इसके पास क्या रहेगा, लोन पेयर। ठीक है, और कुछ बचा है, माइनस चार्ज कहाँ जाएगा, माइनस चार्ज जाएगा। ऑक्टेट कंप्लीट है क्या, दो दो कंप्लीट है, बताओ कि नहीं है, ना ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, उसके बाद चर्चा करते ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ चार्ज है, सिंगल है, ऑक्साइड है ना। अब इसमें से आप खुद से सोचो, फॉस्फाइड कौन सा रहेगा, फॉस्फेट कौन सा रहेगा और फॉस्फाइड कौन सा रहेगा, कौन बताएगा। ठीक है, मैं बताता हूँ, ये क्या रहेगा, सिंगल एलिमेंट के साथ में चार्ज है, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉस्फाइड। सिंगल एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज्यादा कहाँ है, यहाँ है कि यहाँ है, यहाँ पर फोर है, तो हम इस केस में लगा देंगे फॉस्फेट और एक क्या हो जाएगा, फॉस्फाइड। ठीक है,
ये चार्ज होगा, चार अगर चार्ज अगर आपको आते हैं तो आप कंपाउंड इजीली बना सकते हैं। कंपाउंड कैसे बनता है ध्यान से देखो, देखना हम देखो कोई भी कंपाउंड बनाना है आपको, पॉजिटिव नेगेटिव वाला, जैसे कि सिल्वर, सिल्वर पर कौन सा चार्ज है आप प्लस वन आना चाहिए, आप ऑक्साइड पे कौन सा चार्ज होता है माइनस वन, तो इन चार्ज का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा Ag यहाँ पर आएगा वन और यहाँ पर जाएगा तो क्या हो जाएगा OH वन, लेकिन वन लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि पता है वन नहीं, ये बनाने आने आता है बच्चों। Mg प्लस टू OH पे क्या है नेगेटिव चार्ज, ये इधर मल्टीप्लाई होगा ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा वन को लिखने की जरूरत तो है नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा OH होल ट्वाइस। ये भी सिल्वर ऑक्साइड है, ये भी मैग्नीशियम ऑक्साइड है, लेकिन ये चार्ज कैसे, ये टू कैसे आया, इसका मतलब समझ में आया बच्चों को, ये तो समझ में नहीं आ रहा। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम कौन सा आ रहा था प्लस थ्री, ऑक्साइड पे कौन सा रहेगा माइनस वन, सब क्या बन जाएगा एल्यूमिनियम OH थ्री, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो आप, फेरिक ऑक्साइड बनाना, फेरिक ऑक्साइड तो क्या करें फेरस ऑक्साइड बनाना हमको, चलो फेरस ले लेते हैं, Fe प्लस टू और ऑक्साइड मतलब माइनस टू, टू से टू का मल्टीप्लाई होगा तो देखो यहाँ पर ध्यान रखना है टू और टू सेम आ गए, कैंसिल कर दो, ये हो जाएगा फेरिक और फेरस ऑक्साइड। आप ये चार्ज अगर आपको आते तो कोई भी फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं, जैसे कि लेब में आता है अमोनियम, इसको क्या पढ़ेंगे अमोनियम प्लस वन चार्ज और ये क्या हो जाएगा क्लोराइड, फॉर्मूला क्या बनेगा एन एच फोर सी एल, इसको मैच करके जो भी मेरे को वीडियो में देख रहे हैं आप मैच करके इससे बहुत सारे फॉर्मूले बना सकते हैं। मेरा था कि आपको कॉन्सेप्ट बताना कि आईडी कब लगता है, आई टी कब लगता है, ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए, आईडी आई टी और एटी कब लगता है, ये मुद्दा है, क्योंकि आईएएस के थ्रू आप फॉर्मूले बना सकते हैं, जैसे जनरल फॉर्मूले जो आपको ट्वेल्थ में आएंगे वो तीन फॉर्मूले इस ग्रुप को बोलते हैं, यह फॉर्मेट ठीक है, सी ए थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, ये क्या है एसीटेट और लास्ट है सी सिक्स एच फाइव सी डबल ओ नेगेटिव, ये क्या हो जाएगा बेंजोएट, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो जो भी वीडियो में रहेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, एक स्क्रीनशॉट। अभी मैंने बताया ये क्या है फॉर्मेट है, ध्यान से देखो इसको, ये फॉर्मेट तीन ही आएंगे, दो ही ले लेते हैं सी ए थ्री सी डबल ओ नेगेटिव, ये क्या है इसको क्या बोल रहे हैं हम एसीटेट ग्रुप है। मैंने आपको बोला मिथाइल, मिथाइल का फॉर्मूला आपको पता है, इसके आगे मिथाइल लगा देंगे तो इसको क्या पढ़ेंगे मिथाइल फॉर्मेट सी एस थ्री सी डबल ओ सी एस थ्री, इसको क्या पढ़ेंगे मिथाइल एसीटेट। लेकिन मैं आपको सोडियम फॉर्मेट बनाने को बोलूं तो वो भी बना सकते हैं आप, यहाँ पर चार्ज कौन सा है माइनस, अब सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मूला क्या बनेगा एस सी डबल ओ एन ए और सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला क्या बन जाएगा सी एस थ्री सी ओ एन ए। लेकिन मैं आपको कैल्शियम फॉर्मेट बनाने का बोलूं तो आप क्या करोगे, अच्छा फॉर्मेट ही लगाना है तो क्या करो एस सी डबल ओ सी ए लगा दो और सी एस थ्री सी ओ और सी ए लगा दो, तो ये सही है क्या, ये फॉर्मूला गलत है, यही तो बताना है बच्चों को, ये ऐसा नहीं कि आपको बोल दिया कि फॉर्मेट एसीटेट है तो आप कुछ भी आकर के जोड़ दो। चार्ज कितना है यहाँ पर माइनस वन माइनस वन, तो बताओ मेरे को यहाँ पर तो हमने बनाया सोडियम में तो कोई दिक्कत नहीं है, सोडियम में कौन सा होता था प्लस वन चार्ज है ना, यहाँ भी सोडियम प्लस वन चार्ज प्लस वन ही, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब मैंने कैल्शियम लिया है तो कैल्शियम पे कौन सा चार्ज है प्लस टू, तो प्लस टू का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा है ना, प्लस टू का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ फार्मूला कौन सा बनेगा एच सी डबल ओ और ये हो जाएगा ट्वाइस, इसको बोलोगे कैल्शियम फॉर्मेट। कैसे बना समझ में आ रहा है, इसको यहाँ लिख देता हूँ, इसको भी मिटा देता हूँ, मैं बोल रहा हूँ कैल्शियम पे प्लस टू चार्ज है, इस पर कितना है माइनस वन, क्या फार्मूला बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा ट्वाइस और ये क्या रहेगा कैल्शियम, इसको पढ़ेंगे कैल्शियम फॉर्मेट, ये नहीं कि हम वन लगा दें। मैं आपको बोल देता हूँ कि एल्यूमिनियम फॉर्मेट बनाओ तो आप क्या करोगे, अच्छा फॉर्मेट ग्रुप तो बता दिया गया है एस सी डबल ओ और एल एल्यूमिनियम फॉर्मेट, लेकिन गलत है, चार्ज ध्यान रखना है फॉर्मूले बनाने के लिए, ये हमारा क्वेश्चन है। तो आप बताओ एल्यूमिनियम पर कितना चार्ज था प्लस थ्री, इस पर कितना है माइनस वन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एस सी डबल ओ, ये बन गया, ये आएगा आपको, ठीक है। तो इस प्रकार से आप किसी प्रकार के भी फॉर्मूले कर सकते हैं। और हमारा क्या करेगा ये बता दिया, H2 नेगेटिव क्या हो जाएगा सल्फाइट और SO4 नेगेटिव क्या हो जाएगा,
इन दोनों में से बताओ आईडी कब लगेगा, एटी कब लगेगा, आईटी कब लगेगा? सिंगल एलिमेंट के साथ चार्ज है तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सल्फाइड। सिंगल एलिमेंट के साथ में ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन ज्यादा है तो क्या लगा देंगे, एट वर्ड लगा देंगे, मतलब क्या हो जाएगा, सल्फेट। और ये क्या हो जाएगा, सल्फाइड। नाइट्रेट, नाइट्रेट ये तो बार बार आने वाला है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को बाद में देखेंगे, आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो आप वहां से इसको नोट कर ले और प्रैक्टिस करें पढ़ने की, कंपाउंड को आखिर पढ़ते किसे।